ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 519 के फाइनल टर्म के सॉल्व पेपर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए इसमें सबसे पहले कि राइट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, ह्यूमन कॉग्निशन के स्टेजेस जो है वो लिखे हैं। सो तीन रिलेटिवली डिस्क्रीट स्टेजेस आ जाते हैं, इन एक्टिव है, आइकॉनिक है और सिम्बॉलिक है। उसके बाद देखिए राइट टू बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्स, शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्स के दो बेनिफिट्स लिखे हैं। सो फर्स्ट ये कि शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्स जो वो रिप्रेजेंट करता है कि स्मॉल स्केल एक्सरसाइज जो है करिकुलम डिजाइन में, जो कि ये कि प्लानिंग करना एक शॉर्ट जो है सर्विस कोर्स के अंदर इसमें शामिल है। बहुत ही सिमिलर डिसीजन जो है प्लानिंग से, प्लानिंग करने के लिए एक लैंग्वेज कोर्स और जो मॉडल है करिकुलम डिजाइन का वो यूज़ होता है इस बुक में, वो रिलिवेंट है। सेकेंड ये कि इन सर्विस कोर्सेज जो है वो मेजर वे हैं ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इनोवेटिव करिकुलम चेंज। उसके बाद ये कि राइट दी टू एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉडल, ऑब्जेक्टिव मॉडल के दो एडवांटेजेस। तो पहला ये कि क्लैरिटी ऑफ गोल्स, जो ऑब्जेक्टिव है लर्निंग प्रोग्राम का वो जो है वो क्लियर है दोनों के लिए, टीचर और लर्नर्स के लिए, जो कि फैसिलिटेट करता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल और जो एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा ये कि ईज ऑफ इवेल्यूशन, वेयर देयर आर क्लियरली स्पेसिफाइड, जहाँ पर हैं क्लियरली स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, जो सक्सेस है लर्नर्स की और जो प्रोग्राम की वो जो है कैन ईजिली वो जो ईजिली और एक्यूरेटली एवेल्यूट किया जा सकता है। कुछ हद तक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस हद तक के जो ऑब्जेक्टिव जो कि फुलफिल्ड हो चुके हैं। उसके बाद ये कि राइट अबाउट स्टोरी लाइन सोल्यूशन, स्टोरी लाइन सोल्यूशन के बारे में लिखे हैं। सो जो सेकेंड अप्रोच जो कि यूज़ होती है सिक्वेंस करने के लिए एक्टिविटीज़ जो एक यूनिट की, वो है स्टोरी लाइन सिचुएशन। और अगर स्टूडेंट जो है वो अनेबल होते हैं कि आइडेंटिफाई करें स्ट्रांगली जो है करेक्टर्स के साथ या फिर इमोशन, सो इम्पॉर्टेंट होता है कि यूज़ किया जाए क्रिएटिव एक्सप्लोइटेशन टेक्निक या फिर रोल प्ले एक्सरसाइजेस। सो उसके बाद ये कि इन ऑर्डर टू डिज़ाइन मटेरियल, मटेरियल डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनर को जो है वो कंसिडर करना होता है क्या, सो उसमें आता है डेवलपिंग एम्स, एम्स को डेवलप करना, ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करना एक सिलेबस, ऑर्गेनाइज करना कोर्स को यूनिट्स के अंदर, डेवलप करना स्ट्रक्चर जो है यूनिट्स के लिए, और इसके अलावा सिक्वेंसिंग यूनिट्स। उसके बाद एक राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखें। सो व्हाट आर एक्चुअली रिवील्ड इन हिडन करिकुलम आर ऑल इन अनइंटेंडेड, जो कुछ एक्चुअली रिवील्ड है हिडन करिकुलम में वो तमाम अनइंटेंडेड है, नॉट पार्ट ऑफ एनी टीचर्स ऑब्जेक्टिव, कोई पार्ट नहीं टीचर्स के ऑब्जेक्टिव का, एंड दे आर टेंड टू बी व्हाट वन माइट कॉल सोशल लर्निंग। अब इसके बारे में कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट पीपल एक्सपेक्ट ऑफ यू आपसे, एंड हाउ यू कैन बी बेस्ट कॉप विद देयर डिमांड, हो कैसे आप जो है वो बेहतर कॉप कर सकते हैं उनकी डिमांड से। उसके बाद ये कि राइट एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स की एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स लिखें। सो ये जो है दे मस्ट अनएम्बिगियसली डिस्क्राइब, अनएम्बिगियसली तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, इनकी एम्बिगिटी नहीं होती, पाई नहीं जाती। बिहेवियर जो कि परफॉर्म्ड होता है परफॉर्म्ड होगा, और इनको लास्ट में डिस्क्राइब करना चाहिए कंडीशन जिसके अंदर जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेड होगी कि हो, और इनको दे मस्ट स्टेट स्टेट करें जो एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर, इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।